अब हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब आप जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए रखते हैं तो जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का है वो धीरे धीरे फेड करना शुरू कर देता है और रेड ब्राउन कॉपर मेटल जिंक स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जैसे आयरन मेटल की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ थी। हमें पता है कि जो जिंक मेटल है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड द कॉपर मेटल। यहाँ पर ये नोट करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है और जो कॉपर मेटल है जो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है वो जिंक स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेड ब्राउन कोटिंग। कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है इसलिए उसकी कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक एंड कॉपर सल्फेट के साथ इसलिए होती है क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम इसके रिवर्स रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। अगर हम कॉपर मेटल की स्ट्रिप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। जब आप जिंक मेटल की स्ट्रिप आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और आयरन मेटल फ्री हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आयरन सल्फेट प्लस जिंक दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस आयरन। इन दिस रिएक्शन जिंक मेटल आयरन मेटल को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम इसको रिवर्स केस को डिस्कस करेंगे, जिंक सल्फेट को आयरन से रिएक्ट करवाएंगे लेकिन इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन जिंक मेटल से कम रिएक्टिव होता है, तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह से क्या होता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल ऑल्सो डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल्स के साथ भी सिमिलर केस होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हमने देखा कि बेसिक ऑक्साइड्स बना रहे थे जबकि नॉन मेटल्स आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके या स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, जो ना पानी से रिएक्ट करते हैं ना स्टीम से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स पानी से रिएक्ट नहीं करते या स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड सिमिलर केसेस विच डू नॉट रिएक्ट इवन विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स कोई भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। कोई एलिमेंट है जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन की। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस ब्लू हो जाता है अगर इस ऑक्साइड का हम सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस को डालते हैं। अब हमने ये बताना है कि ये मेटल है या नॉन मेटल। अब हम ये जानते हैं कि बेसिक सब्सटेंसेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब इसका एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका मतलब ऑक्साइड हमारी बेसिक हो गई और बेसिक ऑक्साइड्स तो मेटल ही बनाते हैं, तो जो गिवन मेटल है वो गिवन एलिमेंट है दैट इज अ मेटल। अब क्वेश्चन सेकंड आ जाता है कि व्हाई आयरन इज नॉट डिपॉजिटेड ओवर अ कॉपर प्लेट व्हेन द कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर प्लेट को अगर हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आयरन डिपॉजिट क्यों नहीं होता है कॉपर प्लेट पे? दिस इज बिकॉज कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है, तो कॉपर आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो इसलिए जब आयरन मेटल बनता ही नहीं है तो वो कॉपर प्लेट में डिपॉजिट नहीं हो पाता। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका,
कॉपर सल्फेट एक दो रिएक्शंस दी हुई हैं जिसमें कॉपर सल्फेट की पहले आयरन के साथ रिएक्शन है जिसमें आयरन सल्फेट एंड कॉपर बन रहा है। सेकंड रिएक्शन आ जाती है आपकी आयरन सल्फेट के साथ जिंक की जिसमें जिंक सल्फेट एंड आयरन बनता है। अब इन दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बेसिस पे हमें ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कौन सा कम रिएक्टिव मेटल है और कौन सा इन बिटवीन द टू है। तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देखा कि आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकंड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जिंक मेटल आयरन को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा आयरन हो जिंक हो जाता है, उसके बाद आयरन एंड देन इज कॉपर। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जबकि कॉपर सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, एक सलोनी ने एक बर्निंग चाकू लिया और टेस्ट ट्यूब में जो गैस इवॉल्व हुई उसको कलेक्ट कर लिया। अब हम उस गैस के नेचर को कैसे पता करेंगे और जो रिएक्शंस होंगी उसको हम कैसे लिखेंगे। तो चारकोल जो हम जानते हैं वो एक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जो कि एक नॉन मेटल है। अब जब कार्बन या चारकोल एयर में बर्न करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, विच इज़ गैस। अब इसके नेचर को जानने के लिए हमें इसमें पानी में डिजॉल्व करेंगे और इसके एक्वा सॉल्यूशन को हमको पहले रेड लिटमस डालेंगे और ब्लू लिटमस डालेंगे। अब जो एक्वा सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड पे कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके उसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो कार्बोनिक एसिड बना देता है जो कि एक वीक एसिड होता है। जब कार्बन एयर में बर्न करता है इट कम्बाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स के यूजेस। मेटल्स हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस। नेल्स बनते हैं मेटल्स के, स्क्रूज बनते हैं, बर्तन बनते हैं, वाटर बॉयलर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, ऑफिस का फर्नीचर है, कार्स, बसेस, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, बहुत कई तरह की मशीन्स बनती हैं और बहुत कुछ बनता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के यूजेस हम डिस्कस करेंगे, जैसे आयरन, कॉपर और एलुमिनियम मेटल्स जो होते हैं उससे हम खाने के बर्तन बनाते हैं, वाटर बॉयलर्स बनाते हैं फैक्ट्रीज के लिए, कॉपर मेटल के इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं हाउस होल्ड वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं, एलुमिनियम मेटल्स के इलेक्ट्रिक केबल्स बनते हैं, थिक वायर्स बनते हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किया जाता है एलुमिनियम मेटल को, एलुमिनियम फॉइल्स को हम पैकेजिंग में यूज़ करते हैं, खाने को रैप करने के लिए एलुमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल होता है, मेडिसिन पैकेजिंग में यूज़ होती हैं, चॉकलेट्स, फूड आइटम्स के पैकेजिंग में एलुमिनियम फॉइल्स का इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ एलॉयज, उसको हम एरोप्लेन्स के फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज यूज टू मेक नेल्स, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पाइप्स, रेलिंग्स, गैस सिलेंडर्स, स्टोव्स, वाटर टैंक्स, ऑफिस फर्नीचर, इंडस्ट्रियल टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड वॉट नॉट। जिंक मेटल को हम यूज़ करते हैं आयरन के गैल्वेनाइजेशन में ताकि आयरन को रस्टिंग से हम प्रिवेंट कर सकें। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स को हम ज्वेलरी के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। मर्करी मेटल यूज़ होता है आपके थर्मामीटर बनाने में, ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट्स बनाने में जिसको हम स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। हमारी बॉडी में आयरन प्रेजेंट होता है पिगमेंट की फॉर्म में रेड ब्लड सेल्स में जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से सारे ही हमारे बॉडी के टिश्यूज़। अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और लो हीमोग्लोबिन रहता है तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी में, जिससे टायर्डनेस और वीकनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ऑल द लिविंग थिंग्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स लाइक नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स भी मेटल्स की तरह हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हम डिस्कस करेंगे, जैसे ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो ऑक्सीजन इतना इसेंशियल नॉन मेटल है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑक्सीजन नॉन मेटल इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग और कम्बशन ऑफ फ्यूल्स इन होम्स, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. नाइट्रोजन आपका एक नॉन मेटल हो जाता है जो कि फर्टिलाइजर्स के बनाने में काम आता है टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट इज यूज्ड इन द फूड पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ एयर टू कीप द फूड फ्रेश. जैसे हमारे जो मार्केट फूड्स होते हैं, पैकेट फूड्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं ताकि एयर के बजाय, क्योंकि ये इनर्ट होती है, रिएक्टिव नहीं होती, ताकि फूड हमारा फ्रेश रहे. क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो कि वाटर प्योरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. क्लोरीन के साथ एबिलिटी है कि वो जर्म्स को किल कर देती है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को जर्म फ्री कर देती है. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है, टिंक्चर आयोडीन, जो कि कट्स और वूंड्स में एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है. सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स विच आर यूज इन फायरवर्क्स, क्रैकर्स. सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में यूज़ किया जाता है जिससे रबड़ की हार्डनिंग होती है. कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है. कार्बन की फॉर्म्स यूज़ करी जाती हैं फ्यूल की तरह, दे आर चारकोल, कोक एंड कोल. सो दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर. थैंक यू सो मच.